नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के माफिया और गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर हो चुका है। यूपी एसटीएफ ने शूटर गुलाम मोहम्मद को भी ढेर कर दिया, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस एनकाउंटर पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई इसे धर्म के चश्मे से देख रहा है तो कोई ये कह रहा है कि दरअसल कानून, कोर्ट और जज किस लिए हैं। ये तमाम जो आरोपों का सिलसिला है, अब ये यूपी एसटीएफ और उत्तर प्रदेश सरकार पर लगना शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच इस एनकाउंटर को लेकर दो पक्ष नजर आ रहे हैं। एक वो पक्ष है जो कि इस एनकाउंटर को सही ठहरा रहा है और ये कह रहा है कि उमेश पाल का मर्डर हुआ। तस्वीरें सामने हैं कि असद अहमद ने ही उमेश पाल पर गोली चलाई थी, शूटर गुलाम मोहम्मद ने ही उमेश पाल की हत्या की थी। बावजूद इसके एक पूरी लॉबी जो है इस एनकाउंटर को फर्जी बता रही है और इस एनकाउंटर को लेकर अतीक अहमद के परिवार को लेकर हमदर्दी जाहिर कर रही है। लेकिन इसी कड़ी में पत्रकार रूबिका लियाकत की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि और खेल शुरू हो गया। माफिया का मजहब लाया गया, किसी ने लोकतंत्र की हत्या बताया, नाना करते जुबान पर अतीक का गम आ ही गया। लेकिन सनद रहे लोकतंत्र की हत्या तब हुई जब सरेआम माफिया का बेटा एक वकील दो पुलिसकर्मियों को गोलियों से छलनी कर रहा था। भाईचारा किसी गुंडा या माफिया की आरती उतारने से नहीं, उसे नेस्तनाबूत करके कायम होता है। अब ये राजनेता योगी को हिंदू और अतीक को मुसलमान बना देंगे, इससे फायदा ना इनका होगा, मुसलमानों को नुकसान जरूर होगा। ये रूबिका लियाकत का एक ट्वीट है जो उन्होंने इस पूरे एनकाउंटर को लेकर किया है। जाहिर तौर पर उमेश पाल की हत्या की गई जो कि राजू पाल मर्डर केस में गवाह था, और इस तरीके से अब जब अतीक अहमद के बेटे अरशद अहमद ने दरअसल खुद को पुलिस को नहीं सौंपा, जब उसने सरेंडर नहीं किया, उसके बाद पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई। 1.5 महीने से करीब फरार चल रहा था और उसके बाद पुलिस ने झांसी में असद अहमद का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन इस एनकाउंटर पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों जो इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, फिर चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती हो जो इस एनकाउंटर की जांच की बात कह रही हैं, इसके अलावा भी कई राजनीतिक दल अब इस एनकाउंटर को लेकर सियासत कर रहे हैं और इस पूरे एनकाउंटर को अब मजहब के चश्मे से देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ कई पत्रकार हैं जो कि यूपी एसटीएफ ने जो कार्रवाई की है उस पर लगातार उनके ट्वीट सामने आए हैं। इसी कड़ी में अमन चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि योगी का वचन ही शासन है, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि अतीक अहमद जो माफिया है उसे मिट्टी में मिलाने का काम होगा और उसे मिट्टी में मिलाया गया है, मिट्टी में मिलाकर रगड़ दिया। अमन चोपड़ा ने ये लिखा है। आपको ये बताते हैं कि असद अहमद का एनकाउंटर हुआ और ये खबर जब अतीक अहमद तक पहुंची तो वो ना सिर्फ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, बल्कि उसके बाद उसकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल मेरे ही कर्मों की सजा जो है उसके बेटे को मिली है, यानी असद अहमद को मिली है। यानी जब अतीक अहमद ये मान रहा है कि मैंने हत्याएं की हैं, मैंने जो है कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया है, जिस तरीके से ना सिर्फ मर्डर के केस हैं बल्कि अपहरण और तमाम अलग अलग जो 100 से ज़्यादा फिलहाल केस हैं वो अतीक अहमद पर दर्ज हैं, और अब अतीक अहमद और जब से उसका भाई अशरफ जेल में बंद था तब से उसका 19 साल का बेटा असद अहमद ही पूरा जो गैंग था वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के जो गुर्के हैं उन्हें कहीं ना कहीं चला रहा था। तो ये पूरा जो कहीं ना कहीं एक पूरा गैंग तैयार किया हुआ था उसे असद अहमद ही ऑपरेट कर रहा था और उसकी सजा उसे मिली है, ये अतीक अहमद की ओर से कहा गया है। बावजूद इसके कई ऐसे पत्रकार हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जो अब कानून की दुहाई दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि कोर्ट और जज किस लिए है। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि 45 साल पहले उमेश पाल का अपहरण किया गया और उस पूरे मामले में
अब जाकर अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिली है, यानी 45 साल का लंबा इंतजार किया गया। लेकिन वहीं अगर उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इस तरीके से एनकाउंटर किया है, अगर जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी एक अपराधी को ढेर किया है, तो उसमें गलत क्या है, ये सवाल भी लगातार उठाए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस एनकाउंटर को सही ठहराया है, जिसमें अमीश देवगन हैं, उन्होंने लिखा है कि एक वो दौर था और एक ये दौर है। उस दौर में अतीक जैसे माफिया फले फूले और एक ये दौर है जब ऐसे माफियाओं को चुन चुन कर इलाज किया जाता है, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। वहीं आपको बताते हैं कि जो पत्रकार सुधीर चौधरी हैं, अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में उन्होंने ये सवाल किया है कि जो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है एनकाउंटर, ये संविधान की हत्या है। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि जब राजू पाल जो कि बीएसपी के नेता थे, जब उसका मर्डर किया गया, तो क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? जब राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को एक चुनाव में हरा दिया था और उसके बाद अतीक अहमद ने राजू पाल का मर्डर करवा दिया था, तो ये तब लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? जब उमेश पाल का मर्डर हुआ, क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? उमेश पाल का मर्डर हुआ तब ये तमाम नेता कहां थे, तब ये तमाम पत्रकार कहां थे जो आज इस एनकाउंटर को मजहब के चश्मे से देख रहे हैं, इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, इस एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी एसटीएफ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो मायावती हो या फिर दूसरी पार्टियों के नेता हो, तमाम सवाल कहीं ना कहीं इन तमाम नेताओं पर भी उठ रहे हैं कि क्योंकि चुनाव है तो कहीं ना कहीं मुद्दों पर सियासत करनी है, तो यही मुद्दा सही इस तरीके की सियासत फिलहाल देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी ने कई सवाल इसको लेकर पूछे हैं कि आखिर असद के एनकाउंटर पर हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ, क्या तब उन्होंने ये कहा कि एक हिंदू का एनकाउंटर हो गया, तो इस तरीके से सियासत क्यों हो रही है? 19 साल के असद अहमद के अपराधों की कहानी बड़ी लंबी है, और अगर उस कहानी पर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं ये एनकाउंटर बिल्कुल सही है। असद अहमद पर आंसू और उमेश पाल पर चुप्पी, ये सवाल भी उठ रहा है कि जब उमेश पाल जो कि राजू पाल मर्डर केस में गवाह था, जब उसकी हत्या की गई, बकायदा वो वीडियो सामने है जिसमें असद अहमद जो कि अतीक अहमद का बेटा जिसका एनकाउंटर हुआ है, वो गोलियां चलाता नजर आ रहा है, साथ ही शूटर गुलाम मोहम्मद जिसके परिवार ने उसके शव को अपनाने से इनकार कर दिया है, वो दरअसल उसको लेकर ये राजनीति की जा रही है, उसको लेकर इतनी हमदर्दी जाहिर की जा रही है जिसके परिवार ने ही शव को लेने से इनकार कर दिया है, तो उसे ये एनकाउंटर को गलत ठहरा रहे हैं। जाहिर तौर पर इसमें राजनीतिक बू आ रही है और कई लोग कहीं ना कहीं अपने ट्वीट को लेकर सवालों के घेरे में हैं। इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि अंकुर सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जो रोहिणी सिंह है उसे घेरा है और कहा है कि सिर्फ यूपी कवर करने वाली एक पत्रकार ने ये कहा था कि अतीक अहमद जो है वो बीजेपी के खास शख्स हैं, लेकिन आज अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ है, असद को मार गिराया गया है, तो कहां है रोहिणी सिंह, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। तमाम राणा अयूब से लेकर तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कहीं ना कहीं अतीक अहमद के मामले में सियासत कर रहे थे, तो उन तमाम प्रोपेगेंडाधारी पत्रकारों पर भी सवाल उठ रहे हैं जो इस पूरे एनकाउंटर को मजहब के चश्मे से देख रहे हैं, जो इस पूरे एनकाउंटर पर जिन्हें कोर्ट याद आ रही है, जिन्हें जज याद आ रहे हैं, लेकिन जब जिसका एनकाउंटर हुआ है यानी गुलाम मोहम्मद, जब उसके परिवार ने ही उसके शव को अपनाने से इनकार कर दिया है, तो फिर इस पूरे मामले पर आखिर की सियासत क्यों, ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर कहीं ना कहीं कई नेता और कई प्रोपेगेंडाधारी पत्रकार जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।